ताज़ातरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर खबर सबसे पहले। अफगानिस्तान में फंसे अपने शहरियों और गैर मुल्कियों को निकालने के लिए काबुल पहुंचने वाली तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ को लैंडिंग के लिए फिजा में ही 40 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। परवाज़ TK-706 मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे अफगानिस्तान के फजाई दूध में दाखिल हुई। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल पर लैंडिंग की फौरी इजाज़त ना मिलने पर बोइंग 777 त्यारा काबुल के मगरब में 40 मिनट तक फिजा में चक्कर काटता रहा। बादशाह एयरपोर्ट काम की जानब से क्लियरेंस मिलने पर तुर्किश हवाई जहाज़ ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:45 पर लैंडिंग की। एविएशन ज़राए के मुताबिक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल परवाज़ों के लिए ऑपरेशन गुज़श्ता रात ही बंद था। गुज़श्ता रात अमरीकी एयरफोर्स के त्यारे ही काबुल में लैंडिंग और टेक ऑफ करते रहे। रॉयल एयरफोर्स का एक त्यारा भी अपने शहरियों को लेने काबुल पहुंचा। नाजरीन, आपको अफगानिस्तान से आगाह किया है जहां तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ को काबुल में लैंडिंग के लिए फिजा में 40 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा।